जी हाँ, आपने सही सुना। दया बहन इन तीन डिमांड पूरी होने के बाद शो में करेगी कमबैक। आइए जानते हैं क्या है ये शर्तें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो में से एक है। हालांकि शो में अब तक कई स्टार्स बदल चुके हैं, लेकिन दया बहन और तिशा वकानी की जगह कोई ले नहीं पाया। फैंस उनका बेताबी से शो में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तिशा ने शो में वापस आने के लिए मोटी रकम की मांग की है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिलीप जोशी यानी जेठालाल और दिशा वकानी की जोड़ी काफी जमती है। दिशा जिस अंदाज में बोलती है वो फैंस को काफी पसंद आता है। एक्ट्रेस ने मैटरनिटी लीव लिया था, जिसके बाद से वो शो से लंबे समय तक गायब है। हालांकि कई बार उनके शो में लेटने को खबर आई है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई मोई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने कमबैक के लिए दिशा वकानी ने शो के मेकर से प्रति एपिसोड 1.5 लाख मांगे हैं। इसके साथ ही उनके अन्य शर्त भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार वो दिन में सिर्फ 3 घंटे ही शूट करेंगी। यही नहीं, एक्ट्रेस और उनके पति मयूर ने सेट पर अपने बच्चे के लिए पर्सनल नर्सरी और फुल टाइम नैनी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि दिशा वकानी को शो में लौटने और उनकी फीस को लेकर यह सब एक प्रमुख इंस्टाग्राम पेज चीजा जी द्वारा दावा किया गया है। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन इतना तय है कि दया बहन के लौटने से शो देखने का मजा डबल हो जाएगा। वहीं दर्शक भी काफी खुश होंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।